हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो मिसाइल बनाम जो लड़ाकू विमान है इसी में इजराइल और जो है ईरान का युद्ध हो सकता है। तो अभी देखेंगे जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी ये अभी लाइमलाइन में मुद्दा बना हुआ है। आप देखेंगे ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, आर्टिकल भी बहुत सारे आ रहे हैं कि इन लोगों में वॉर की दोनों तरफ से प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अगर वॉर होती है तो समझिए कैसा सिनेरियो बन सकता है और किसके पास कितना ताकत है, इसको लेके एक आर्टिकल आया है। तो अभी देखेंगे तो इनकी जो सीमा है, तो आप इजराइल की भी देखेंगे तो सीमा जो है ये यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है, तो काफ़ी डिस्टेंस है इन लोगों के बीच में। तो अब समझिए कि आर्मी अब यहाँ पे आ नहीं सकती है, आर्मी का यूज़ होना। अब वो लोग भी क्या करेंगे, ड्रोन अटैक कर सकते हैं। ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल बहुत सारी दागेगा, जो कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भेजने का कोशिश करेगा, और उसके बाद ड्रोन अटैक कर सकता है, एक मैसिव ड्रोन अटैक कर सकता है जो कि ये लोग आराम से देखेंगे इंटरसेप्ट करके इजरायली जो है ये गिरा भी लेंगे। तो इनका तीन लेयर आप देखेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसमें सभी चीज़ें बात की गई हैं कि आखिर में क्या हो सकता है और किसके पास कितनी ताकत है ये भी बात की गई है। तो आप लोग इसमें बने रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। तो ये आप देखेंगे तो हमास के जो इस्माइल हैं, इस्माइल हानिया, इनकी मृत्यु हुई है, तब से ये मामला गर्म है। और ईरान में ही हुई थी, ईरान के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर शपथ ग्रहण में वो गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई है। अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर में मृत्यु हुई कैसे है, उनको कैसे मार दिया गया था, डेथ हो गई थी आपको देखने के लिए। अब दोनों जो सेनाएं हैं आगामी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो यूएस है तो वो भी अपनी नौसेना की पावर वहाँ पे बढ़ा दिया है, नौसेना बेड़ा भी भेज दिया है ताकि अगर इजराइल पे कोई भी अटैक एक बड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिसाइल है उसको हवा में मार के गिराया जा सके इसके लिए। और दोनों सेनाएं अब देखेंगे तो ईरान जो मिडिल ईस्ट है उसमें सबसे बड़ा पावर आप किसी को देखेंगे सैनिकली तो वो ईरान है। लेकिन जो यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तब से आप देखेंगे तो अमेरिका से तो रिलेशन ख़राब ही चल रहा है। 2016 के बाद इन पे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं तो इनको अब नई टेक्नोलॉजी मिल नहीं पा रही है, जो कि टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए और अपडेट होना चाहिए इनको, तो वो मिल नहीं पा रही है। रूस से ही और चाइना से जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो इनको मिल पा रहा है, बाकी इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इनके पास आप देखेंगे तो जो रूस का बहुत पहले का जो फाइटर जेट होता है वही दिया गया है, लेकिन इजराइल के पास आप देखेंगे तो F-35 जैसे आधुनिक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इनके पास है इजरायली के पास, तो ये कहीं भी एयर स्ट्राइक कर देते हैं। आप वो अभी कुछ दिन पहले देखेंगे तो हूती विद्रोहियों पर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, एक बंदरगाह था वहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दिया था, ईरान पर भी एयर स्ट्राइक किया था इन्होंने, और आगे आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बताइए। तो अभी देखेंगे तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्था है ये, तो इन्होंने बताया है कि लगभग एयरफोर्स से ही लड़ाई होगी। आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि एयरफोर्स ही अटैक करेगा यहाँ पे, दोनों एयरफोर्स जो होंगे, क्योंकि नौसेना भी यहाँ से घूम के तो आ नहीं सकती है, वहाँ पे यूएस का देखेंगे तो काफ़ी पहरा रहता है, तो जो ईरानी नौसेना है तो वो वहाँ आएगी नहीं और आर्मी आएगी नहीं कि काफ़ी डिस्टेंस है, एयरफोर्स में ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होने वाला है। तो लगभग ईरानी वायुसेना के पास आप देखेंगे तो 37,000 उसमें जो सेना है वो भर के रखा है, लेकिन दशकों से अंतर्राष्ट्रीय जो मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इस पर सेंसन लगे हुए हैं ईरान देश पे इकोनॉमिकली, एक ये लोग देखेंगे तो सफरिंग कर रहे हैं। दूसरा बात है कि ये लोग सैनिकली कैपेबिलिटी उतना बढ़ा नहीं पा रहे हैं जितना कि इनको बढ़ाना चाहिए, और ईरानी वायुसेना के पास देखेंगे तो केवल दर्जन काम करने वाले इनके पर एयर स्ट्राइक है, तो एयर स्ट्राइक ज़्यादा है नहीं, एयर स्ट्राइक जो किया जाता है स्ट्राइक किसी देश में जाके करने के लिए। तो रूसी जेट आप देखेंगे तो ये 1980 के दशक के रूसी जेट, जो कि ईरानी क्रांति के बाद आप देखेंगे कि कुछ मिला नहीं था, तो मुस्लिम क्रांति आया था वहाँ पर देखेंगे, तो ये उसके बाद से अमरीका ने इन पर प्रतिबंध, मतलब हमेशा से अमरीका टारगेट करते आ रहा है, कुछ भी इनको दिया नहीं है, और अमरीकी जो हथियार होते हैं सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो इनके पास F-4 F-5 जैसे लड़ाकू एयर स्ट्राइक वाले विमान हैं और ये भी बहुत कम संख्या में, सुखोई 24 ये जेट इनके पास का एक स्क्वाडन है, स्क्वाडन में बहुत सारे फाइटर जेट होते हैं, और MiG-29 ही इनके पास है। और इसके लेकिन ईरान के पास आप देखेंगे तो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हैं, ड्रोन ये लोग खुद से बना लेते हैं, और ड्रोन ये लोग रसिया को भी अभी सप्लाई किए थे, देखेंगे अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो ड्रोन इन्होंने बेचा था रसिया को, तो ड्रोन इनके पास काफ़ी है, तो एक मैसिव ड्रोन अटैक ये लोग कर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल भी इनके पास काफ़ी है, खुद से बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वही होती है जो ऊपर से हवा में जाती है और फिर जाके अपने टारगेट पर गिरती है, और क्रूज मिसाइल वो होती है जो कि आप देखेंगे सीधे चलती है ज़मीन को,
कुछ आप मान के चलिए कि कुछ दूरी पे ही चलती है जो क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से जाती है और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मतलब इजी होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को कोई पकड़ भी नहीं पाता है। तो इनके पास आप देखेंगे कि ड्रोन काफ़ी ज़्यादा है, जाखीरा है इनके पास, समझिए ड्रोन सभी लेते हैं, ईरान भेजता भी है बहुत ड्रोन, और इनके हज़ारों की संख्या में UAV जो शामिल है। तो ये ड्रोन का नाम है और लगभग 300 मतलब कि 3500 से ज़्यादा सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो मिसाइल बहुत ज़्यादा है इसके पास और बहुत ज़्यादा मिसाइल एक बार में ये दागते हैं, तो अगर टारगेट पे ये गिरता है तो सबको तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो इंटरसेप्ट कर नहीं सकता। कुछ मिसाइल अगर 5% भी आ जाते हैं तो इन लोगों को क्षति होगी। और आप देखेंगे तो 60 के दशक में पहली बार विकसित जो सुखोई मैंने बताया, तो इसका ये लोग अभी यूज कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि सुखोई अपने मतलब कि तैयार है युद्ध करने के लिए इजराइल से। तो ये काफ़ी आप देखेंगे तो बेहूदी हरकत है। अब जो इनके पास फाइटर जेट है इजराइल के पास, इससे कभी भी सुखोई मतलब कि सामने से एक तो डॉग फाइट भी नहीं कर सकता है और ना रोक पाएगा। जो F-35 इनके पास लड़ाकू विमान आप देखेंगे जो इसराइल के पास है, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। अब एयर डिफेंस सिस्टम में हम देख सकते हैं तो जो इसराइल है इनका सेन मतलब कि इनका जो बाउंड्री है, तो आप देखेंगे ईरान काफ़ी बड़ा देश है, आराम से कहीं भी घुस के इसराइल जो है एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इसराइल जो है ये छोटी देश है तो यहाँ पे मतलब इनके जो फाइटर जेट हैं वहाँ जाके तो मतलब बम बरसा नहीं सकते हैं, इसराइल ही बम बरसा सकता है। लेकिन अब देखेंगे तो इसके पास S-300 है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस ने दिया है, जो अभी हमने S-400 भी लिया है, तो वो उससे एक नीचे आप देखेंगे वर्जन है S-300। तो एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन ये लोग रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इजराइल का पता ही नहीं चलेगा वो किधर से अटैक करेगा, और ज़्यादा तो इतना तो ये लोग खरीदे नहीं होंगे कि ये लोग कहीं भी पूरे अपने बाउंड्री पर लगा के रखें। और इससे घरेलू स्तर पे भी इन्होंने अपना बनाया, जैसे हमने आकाश मिसाइल सिस्टम बनाया, आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम ही है, तो 30-40 किलोमीटर में आकाश से भी हम लोग किसी भी फाइटर जेट को मार के गिरा देते हैं, वैसे ही इन लोगों ने खुद से भी बनाया है। तो बावर देखेंगे 373 सतह से हवा में मार करने वाली इनकी एक मिसाइल है। और अब देखते हैं हम लोग इजराइल के पास क्या क्या है। तो इजराइल के पास आप देखेंगे तो F-15, F-16, F-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, तो ये सबसे उत्तम मतलब किस्म के हैं, और उसके बाद एक तो उत्तम किस्म के हैं और ये लोग जो ख़रीदते हैं समझिए अमेरिका से लेते हैं चाहे खुद से बनाते हैं, तो उसके बाद मॉडिफाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये आसपास की जो एरिया होती है उसके अनुसार ही मॉडिफाई करते हैं, और इनको ज़्यादातर एयर स्ट्राइक करना होता है तो ये लोग काफ़ी अच्छा मॉडिफाई करके रखते हैं, और ये लोग कहीं भी देखेंगे तो किसी भी देश पर आराम से एयर स्ट्राइक कर देते हैं। इजरायली से मतलब भिड़ना काफ़ी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे है ईरान से, ईरान खुद डरा हुआ था। पिछली बार आप देखेंगे जैसे इन्होंने एक तो अटैक कर दिया था, लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि युद्ध जो शुरू ना कर दे इजराइल, उसके लिए इसने देखेंगे तो बहुत सारी गुहार लगाई थी। लेकिन आप देखेंगे तो ईरान कर सकता है अटैक, अब उसको भी अपना छिपाना है कि वहाँ पे मार दिया गया, तो उसके देश के भी आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से देश के साख पे आ गई है, तो उसको दिखाना ही होगा वहाँ पे। लेकिन अब जब ये लोग एयर स्ट्राइक करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है ईरान को, उसकी और इज्जत जा सकती है। अब ड्रोन भी है देखेंगे तो इसराइल के पास ड्रोन भी है और सबसे हाई टेक्नोलॉजी की ड्रोन है, लेकिन ड्रोन कम है इनके पास, ईरान के मुकाबले काफ़ी कम ड्रोन है। और इनकी तो अब अगर ये लोग अटैक करते हैं तो ये नहीं रोक पाएंगे। S-300 से भी बोला जा रहा है कि इनके फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से आ रहे हैं फाइटर जेट, तो ये बताया गया है यहाँ पे। हालांकि अब इनके पास ड्रोन जो है तो ड्रोन ज़्यादा नहीं है जो मैंने बताया, और लेकिन जो ड्रोन है वो काफ़ी उत्तम किस्म के हैं। और फिर देखेंगे ड्रोन शक्ति में इजराइल आगे है, तो इजराइल आगे है जो मैंने बताया, ड्रोन तो कम है लेकिन ड्रोन जो है ये काफ़ी उत्तम किस्म के हैं। और इजराइल के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो मल्टी लेयर मैंने बताया Aero-3 है, और उससे पहले जो है थी Aero-2, और उसके बाद आयरन ड्रोन सिस्टम है, उसके बाद US है वहाँ पे, US नेवी खड़ी हुई है अपने फाइटर जेट का स्क्वाडन लेके कि किसी भी चीज़ को हवा में ही मार के गिराया जा सके। तो इनके पास बहुत सुरक्षा है, एक तो ये लोग खुद भी सुरक्षित हैं, साथ में US कभी इसको छोड़ेगा नहीं, US के वजह से ये लोग वहाँ पे टिके हुए हैं। वैसे भी इजरायली बहुत पावरफुल है, लेकिन इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए US हमेशा खड़ा रहता है, और कभी US नहीं चाहेगा कि कुछ भी इजराइल को हो सके, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी है चाहे कुछ भी उसको करना होता है तो बिना इजराइल का मदद के ये लोग नहीं करते हैं।
तो ये आपको देखने को मिलेगा, इजराइल काफ़ी आगे है आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।